अस्सलाम वालेकुम। आज हम किचन विद रबिया में क्रिस्पी फ्राई की रेसिपी लेके आए हैं, तो चले हैं शुरू करते हैं कि वो किस तरह बनते हैं। मैंने 1 किलो चिकन लिया था, उसमें मैंने लेग पीस लिए हैं, उनको अच्छी तरह मैंने साफ़ करके पूरे चिकन को तो इस तरह मैंने कट लगा ली है, ठीक है। थाई मैंने ली है, विंग्स लिए और ये थाई ली है, ठीक है। इस तरह मैंने साफ करके इसको रखा है। अब इसको मैं सिरका लगाऊंगी, 1/3 कप मैं सिरका लगाऊंगी। हाफ टेबल स्पून मैं नमक डालूंगी और पानी डालूंगी इतना कि जिसमें ये डूब जाए, इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी हाथ से। और इसको हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये इसलिए करूंगी मैं कि जो चिकन में से स्मेल आती है, एक ख़ास स्मेल होती है चिकन की, उसको ख़त्म करने के लिए, और ये इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा बनेगा। इसमें जो ब्लड नज़र आता है हमें, वो भी इसका अंदर से रिमूव हो जाएगा। तो 1 घंटे बाद मैं आपसे मिलती हूँ। 1 घंटा हो गया, अब इसको हम पानी से निकाल देते हैं। पानी से हमने इसे निकाल दिए, अब ये खुशक हो जाएगा 5 मिनट तक, उतनी देर में हम इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं। एक बोल ले लिया मैंने, 3 टेबलस्पून सिरका डालेंगे इसमें, 4 टेबलस्पून मैंने चिली सॉस ली है, 1/2 टीस्पून मैंने टाटरी ली है, 1 टीस्पून मैंने जिंजर पाउडर लिया है, 1/2 टेबलस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है, ये जाएगा इसमें, 1/2 टेबल स्पून मैंने वाइट मिर्च ली है, 1/2 टेबल स्पून मैंने पीसी हुई मिर्च ली है रेड वाली, 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है, ये जाएगा इसमें। अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने दोनों को मिक्स करके पीस लिया था, ये भी जाएगा इसमें। अब इसे हाथ से मिक्स कर लेंगे। चिली सॉस मेरी होममेड है, इसकी जो रेसिपी है वो आप मेरे चैनल पे जाके ले सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पे जाके इसकी रेसिपी ले सकते हैं, और आई बटन में भी मैं शेयर कर दूँगी। अब इसमें मैं 1-1 पीस डालूँगी इस तरह से, अच्छे से लगाते जाएंगे। तो ये देखें, अच्छे से मैंने सारे मसाले को चिकन के साथ लगा दिया, ये देखें इस तरह मिक्स हो गया है हमारे। इसको मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं, 1/2 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं, 2 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। जितनी देर से रेस्ट मिलेगा इतना ही अच्छा ये बनेगा हमारा। तो बहुत ही मज़े का ये बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो 1 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है। मैदा हमने लिया है, इसे मैंने अच्छे से छान लिया था मैदे को। इसमें 1/2 टेबल स्पून मैं नमक डालूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मिक्स हो गया नमक। एक बॉल में मैंने ठंडा पानी ले लिया था। अब हम इस तरह उठाएंगे इसको, लेग पीस को अच्छे से इसमें कोट करेंगे। अब इसे उठाएंगे, पानी में डालेंगे, दोबारा से इसमें कोट करेंगे अच्छे से। मैदा जो हमारा ज़्यादा होना चाहिए, तकरीबन मैंने 1/2 किलो लिया था, ज़्यादा मैदा होगा तो इसकी कोटिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो ये देखें हमारी कोटिंग हो गई है, इसको प्लेट में रखेंगे। इसी तरह ये विंग्स लेंगे, अब इसको भी हम इसी तरह ही करेंगे। ठंडे पानी में दोबारा से डिप करेंगे। तो ये देखें कितने अच्छे अभी से क्रम्स नज़र आने लग गए हैं। एक मैं सीने का पीस लूँगी, इसको भी इसी तरह हम लगाएंगे।
ये देखें ये भी अच्छे से लग गया है। अब इसी तरह मैं बाकी भी चिकन की कोटिंग कर लूँगी। अब हम चिकन को फ्राई करते हैं। ऑयल मैंने गरम रखा हुआ था मीडियम आंच पे, इसको ज़्यादा तेज़ आंच पे हमने गरम नहीं करना, हमें ज़्यादा तेज़ नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा जो चिकन है उसको ऊपर से कलर आ जाएगा, अंदर से वो कच्चा रहेगा। तो कलर हमें हल्का चाहिए, इसलिए हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। तो इसको हमने डीप फ्राई करना है, शैलो फ्राई नहीं करना। अगर हम शैलो फ्राई करेंगे तो इसका नीचे से कलर कोई और आएगा, ऊपर से कोई और आएगा, एक जैसा नहीं आएगा। 5 मिनट हो गए हैं, अब इसकी साइड चेंज करते हैं। तकरीबन 12 से 15 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे। तो हमारे तैयार हो गए हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे। तो कलर हमने लाइट ही रखना है, क्योंकि ये जब ठंडा होगा तो इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो अगर हम डार्क कलर देंगे तो बाहर आके बिल्कुल ही ज़्यादा सा वो ब्लैकिश में आ जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरह हम बाकी भी फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि इसके क्रम्स कितने अच्छे बने। तो ये देख सकते हैं आप, हमारे क्रिस्पी फ्राई तैयार हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं। ये देखें ज़रा इसकी जो ऊपर जो क्रिस्पी है इसकी लेयर्स है, देखें आप कितनी अच्छी है। अब मैं ठंडा एक पीस लेती हूँ और आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं अंदर से अच्छे से पक चुका है। अंदर से जितना ये सॉफ्ट है बाहर से उतना क्रिस्पी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए मेरी रेसिपी, आपको बहुत अच्छी लगेगी। बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा KFC चिकन आप घर पे बना सकते हो। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिए, मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।